किस तरह से मूवी है फ्यूचरिस्टिक, क्या वर्ल्ड वॉर का नजारा होगा रिपीट, ओम शांति ओम नहीं थी दीपिका के गिग, प्रोजेक्ट के को लेकर सिनेमा इंडस्ट्री में कई सारी अजम्पशंस सामने आ रही है। प्रोजेक्ट के में काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है और ये फिल्म पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होगी। प्रोजेक्ट के में जिस तरह की दुनिया दिखाई जाएगी वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस मूवी से जुड़ी एक नई अजम्पशन हाल ही में सामने आई है जो कि काफ़ी हद तक सच हो सकती है। असल में ऐसा माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट के में वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट होने वाली है। वर्ल्ड वॉर 2 के बड़े और भयानक नज़ारों से तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन जब पिछले साल यूक्रेन और रशिया के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ तो ऐसा माना जा रहा था कि इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का जन्म होने वाला है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। और हो सकता है कि प्रोजेक्ट के इसी थ्योरी पर बेस्ड हो कि अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 सच में हो जाता तो इससे दुनिया पर कैसा असर पड़ता। बात करें मूवी में नजर आने वाले दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की, तो जहां इस उम्र में काफी बड़े एक्टर्स रिटायर होने की सोचते हैं, वहीं बिग भी तो सिनेमा इंडस्ट्री में एक काफी बड़ा कमबैक करने वाले हैं। और प्रोजेक्ट के साथ साथ उनकी मूवी थलाइवर 170 भी रिलीज होने वाली है जिसमे वो एक्टर रजनीकांत के साथ दिखेंगे। अमिताभ बच्चन ने काफी सालों तक सिनेमा इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़ के रखा था और वो सिर्फ अपने शो केबीसी पर फोकस कर रहे थे, और ये शायद इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि बॉलीवुड की क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है और अब जब सिनेमा इंडस्ट्री एक बार फिर से ऊपर उठ रही है तो ऐसे में बिग बी भी बॉलीवुड को बेस्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बात करें प्रोजेक्ट के स्टार और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की, तो जहां मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है कि दीपिका पादुकोण ओम शांति ओम से सिनेमा इंडस्ट्री का हिस्सा बनी है और उसी फिल्म से उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दीपिका पादुकोण ने ओम शांति ओम से एक साल पहले ही अपना फिल्मी डेब्यू कर लिया था, वो भी ऐश्वर्या मूवी के साथ। साल 2007 में रिलीज हुई मूवी ओम शांति ओम दीपिका की सेकंड मूवी थी, और इससे पहले साल 2006 की मूवी ऐश्वर्या में दीपिका काफी बड़े रोल में नजर आई थी, लेकिन क्योंकि उनका ये किरदार उतना फेमस नहीं हुआ था इसलिए दीपिका हर जगह ओम शांति ओम को ही अपना पहला डेब्यू बताती है। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या व्यूज है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।